मेरा नाम अनिल है, मैं फिर से आप लोगों के लिए SBI का बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आऊँ। देखो, मैं कई लोगों ने कमेंट किया कि मेरे को 500 रुपये की SIP करनी है, तो 500 रुपये की SIP लेके आया हूँ। अगर आप सिर्फ 10 से 500 रुपये भी मंथली डालते हो तो भी आपके पास में करीब करीब 64 लाख रुपये बन जाएंगे। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को पर मंथ लेते हो और उसको कंटिन्यू करते हो, हमेशा याद रखना, अगर हमें करोड़पति बनना है तो SIP में जाना पड़ेगा, लखपति बनना है तो भी SIP में जाना पड़ेगा, कंटिन्यू करना है, कभी भी बीच में बंद नहीं करना। कोशिश ये करना है, मार्केट नीचे हो तो और पैसे लगा दो, घबराना मत कभी भी, न्यूज़ कभी देखना मत, दिमाग में कभी वजन मत डालना कि अब स्थिति खराब होने वाली है, अब पैसा निकाल लो, कभी भी ऐसा मत सोचना। आप यूँ सोचो, कोरोना के अंदर में कितने लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया जिससे वो अब लॉस के अंदर में है। क्यों? क्योंकि कोरोना में क्या हुआ था, मार्केट ऐसे हुआ था, ऐसे चलता चलता ऐसे आया था, फिर वापस ऐसे आया और इससे भी ऊपर चला गया, ये कंटिन्यू लहर रहेगी। मार्केट होता ही इसलिए है कि जो गरीब आदमी होता है उसको अमीर बनाने के लिए, भाई उस टाइम नीचे आए तो वो बेचारा खरीद सके, और कुछ ना कुछ लोगों को डराने के लिए होता है कि भाई मार्केट में बहुत बड़ा होने वाला है तो आप अपना पैसा निकाल लो। तो आज आप लोगों को ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो SBI का बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, जिसका नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एक तो हमेशा याद रखना, अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हो तो 1% का आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, SBI की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो। अगर बैंक में जाओगे तो आपको रेगुलर प्लान मिलेगा, रेगुलर प्लान भी ले सकते हो क्योंकि 1% का कोई ज़्यादा तो नहीं लगता, पर लंबे समय में ज़्यादा हो जाएगा। वो आपको डिसाइड करना है, आपका परिवार का मतलब सदस्य मान जाए तो फ़ोन ऐप पे कर लो, क्योंकि कई लोग मानते नहीं हैं, उनको लगता है कि पैसा पता नहीं कहाँ फंस तो नहीं जाएगा। बैंक का भी सेम है, वो भी सेम है, पर 1% का आपको एप्लीकेशन में फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो डायरेक्ट प्लान ले रहे हो आप अपने नॉलेज के हिसाब से, और बैंक में जाके ले रहे हो, बैंक में आपको रेगुलर प्लान मिलेगा, डायरेक्ट प्लान नहीं मिलेगा। ये फंड जब स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था, सोचो उस टाइम पे किसी बंदे ने इसके NAV रेट सिर्फ 10 रुपये में मिले थे उसको, आज इसका NAV रेट 426 रुपये है। अभी इसको मतलब 2024 चल रही है और हम 2013 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे 10 रुपये की NAV थी, उसकी 10 रुपये की वैल्यू आज 426 रुपये है। सोचो 400 गुना बढ़ गया यार पैसा, क्या हमारा पैसा बढ़ा गया 400 गुना? नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्टमेंट ना करके सेविंग पे लगाते हैं, बस यही गड़बड़ है। एक थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना है कि अमीर लोग पैसा कहाँ लगाते हैं और गरीब कहाँ लगाते हैं, और वो गरीब रहने के लिए सरकार ने सिस्टम बना रखा है, काफ़ी सारा लोगों को RD है, FD है, PPF है, मर्जी आपकी है, आपका पैसा कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, जहाँ पर आपको बेहतरीन रिटर्न मिले। रेटिंग की बात करते हैं, 5 स्टार फंड साइज की बात करते हैं, 37,845 करोड़। होल्डिंग की बात करते हैं, 103 कंपनियां इसके पास में हैं, 103 में से आज मैं 5 के नाम बताऊंगा, और 5 के 5 बैंक हैं। कई लोग सोचते हैं पता नहीं मेरा पैसा कहाँ लग जाएगा, कहाँ डूब तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसे ही तो नहीं लग गया। उस 5 में से फर्स्ट पे आता है निफ्टी बैंक 5.61, नंबर 2 पे है HDFC बैंक 4.62, नंबर 3 पे है SBI बैंक 2.53। आप ये देखो कि खुद SBI बैंक है, उसके बावजूद भी तीसरे नंबर पे पैसा लगाया इस पे, HDFC पे ज्यादा लगा रखा है। निफ्टी बैंक पे देखो 5.61 है, HDFC बैंक तो 4.62, गरीबर SBI बैंक पे है 2.53, खुद के बैंक पे 3 नंबर पे पैसा लगा रखा। आप सोचो कि पैसा जो बना के देंगे वो बैंक है, सेक्टर बैंक, जिनको नॉलेज है कि हमारा पैसा बनेगा कहाँ पे, और हम डर रहे हैं नहीं पैसा नहीं लगाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे सर, आपने बिल्कुल करेक्ट जगह पे पैसा लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है ये, इसमें ना फ्लक्चुएटिंग बहुत कम होती है, ये मैंने देखा है, स्थिर रहता है ये, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी, पैसा भी लमसम भी ले लेता है और SIP भी ले लेता है। अच्छा, बैंक में जाके 500 रुपये की SIP होगी भी नहीं, बैंक में जाके 1,000 रुपये की होगी, एप्लीकेशन से ही कर सकते हो इसको अगर आप लेते हो तो। SBI स्मॉल कप SBI कॉन्ट्रा फंड आप SBI म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ले सकते हो, KYC अगर आपकी पूरी हो जाती है। नंबर
चार पे आ गया आईसीआईसी बैंक 1.84, एक्सिस बैंक पांच नंबर पे है 1.81 के करीब लगा रखा है। आप ये सोचो कि मतलब सारे बैंक सेक्टर में है बड़े बड़े, 103 आते नहीं लिस्ट में, वरना ही मैं 103 के बताऊं आपको। आपको ऐसे ऐसी कंपनियों का ऐसा लगता है जिनका नाम भी नहीं सुना होता आपको, ये इसलिए बताता हूँ कि लोगों की ब्लूटूथ ऑन हो जाए यार, पैसा लगा दे लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास लगाना है, मैं कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड करो उसमें लगाओ भैया, आपके परिवार की गरीबी दूर करेगा ये। जैसे जैसे चलेगा ना ये, वैसे वैसे आपको इसकी रंगत दिखाई देगी, और इसकी रंगत दिखाई देगी तो आपको पैसा आएगा ना तो मज़ा आएगा, और आपकी ख्वाहिशें भी पूरी कर देगा ये। आप आल रिटर्न की बात करते हैं 21 है, 5 ईयर की बात करें 34, 3 ईयर की बात करें 32। 500 रुपये की SIP 15-16 रुपये बचाने हैं दिल्ली की, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बर्गर भी नहीं आता आज के टाइम में 15 रुपये का। कई लोग बीड़ी इतनी पीते हैं, चाय इतनी पीते हैं, शराब पीते हैं, मैं कह रहा हूँ सर कंटिन्यू करो, मेरे को कोई इशू नहीं है, पर आप अपने आप को बचा के रखो अपने परिवार के लिए। अगर बचा के नहीं रखोगे तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 500 रुपये, 15-16 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है बचाने के लिए। 21% का रिटर्न, 26 साल आपने पैसा लगाया, 1,56,000 रुपये आपको मिल गए, 64,90,285 रुपये, 64 लाख रुपये। अगर हमने कहीं और पैसा लगाया होता तो सोचो कितना पैसा मिलेगा, बड़ी मुश्किल से 20 लाख रुपये। RD है, EPF है, PPF है, सुकन्या योजना है, LIC है, कुछ भी पैसा लगाया होता, स्कीम सारी अच्छी हैं, पर रिटर्न देखो आप, आपके पास में खुद के पास में गूगल है, उस पर सर्च मारिए कि FD कितना रिटर्न देता है, RD कितना रिटर्न देता है, PPF कितना देता है, EPF कितना देता है, सुकन्या योजना कितनी देती है, LIC कितनी देती है, लिखा आएगा क्रोम पे, उसको नोट करके रखिए एक एक कागज पे, ये इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है, मैंने पैसा कहाँ लगाना है। आपका पैसा है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी जगह कीजिए, अच्छे बैंक सेक्टर में पैसा लगाइए ताकि आपका अच्छा रिटर्न निकल के आए। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।